सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो ले गए। तो आज इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं कि जो पहले मैं वीडियो लेकर आया था सब आधार कार्ड रिलेटेड था। सभी वीडियो में मैं बोला था कि आपको कैसे ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र पे जाके जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आपका आधार कार्ड का डिटेल्स निकाल सकते हो या आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आप एक SMS से कैसे आपका आधार कार्ड का डिटेल्स निकाल सकते हैं। आधार कार्ड बोले तो मतलब कि आधार कार्ड में जो मतलब सर्विसेज रहते हैं, कुछ सर्विसेज आप SMS करके भी ला सकते हैं। तो हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का जो वीडियो है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा कोई भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। फिर आपको जाना है जो आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट को इधर टाइप करना है। टाइप करके आपको सर्च कर देना है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर जाके आप डायरेक्ट मतलब इस पेज पर आ सकते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद आपको ऐसे पेज निकल के आ जाएगा। फिर आपको जाना है माई आधार पर। माई आधार पर जाने के बाद आप देख सकते हैं पूरा नीचे चला आइए, अदर सर्विस ऑन SMS, तो इसमें ही क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करते हैं आपको ऐसे की इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं इधर अदर सर्विस ऑन SMS। तो कितना सर्विस है सब कुछ हम लोग डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर आपको लिखा हुआ है मतलब कैसे करके आपका आधार कार्ड का जो SMS सर्विस है आप सब कुछ मंगा सकते हैं। मतलब सब कुछ क्या, कुछ मतलब सर्विसेज है जो सर्विस आप SMS करके भी मंगा सकते हैं। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं जेनरेट मतलब वर्चुअल आईडी। तो आप कैसे मतलब जेनरेट वर्चुअल आईडी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैसेज करना है। देख सकते हैं कैसे करके आपको मैसेज करना है। तो आपको करना है GBID स्पेस आधार नंबर, जो आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है उस डिजिट को देना है। देखे आपको सेंड करना है 1947 पे सेंड कर देना है। फिर आप देख सकते हैं जो वर्चुअल आईडी है तो उसको भी आप रिटेप भी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइप करना है RBID स्पेस आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है, 4 डिजिट आपको टाइप करके इसको सेंड करना है 1947 पे, इसको सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है आपका वर्चुअल आईडी का। फिर आप देख सकते हैं टू गेट OTP, अगर आपको OTP चाहिए कुछ काम के लिए आधार कार्ड के तो भी आप मंगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट कैसा है तो आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको SMS करना है। फिर आप देखिए टू लॉक अदर, अगर आपको आधार कार्ड लॉक करना है तो भी आप कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है, कैसे SMS करना है, सब कुछ डिटेल्स आपको इधर दिखाया गया है। तो इधर को इधर देख के आप आपका जो आधार कार्ड है इसको लॉक कर सकते हैं। पहले आपको OTP जनरेट करना होगा, फिर आपको आधार कार्ड को लॉक करना होगा। फिर आप अनलॉक कैसे कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स आपको इधर दिखाया गया है। तो इधर देख के आप मतलब आधार कार्ड को लॉक कर पाएंगे। फिर आप देखिए टू अनलॉक अदर, एक बार आपने लॉक कर लिया फिर इसको अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए भी कैसे SMS करना है उसका भी डिटेल्स आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे करके आपको SMS करना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से ही आपको SMS करना होगा, दूसरा नंबर से करेंगे तो नहीं होगा। फिर आपको देख रहा होगा, देखिए टू एनेबल बायोमेट्रिक लॉक। तो अगर आप बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हैं तो भी आप लॉक कर पाएंगे। तो कैसे करना है सब कुछ डिटेल्स इधर आपको दिखाया गया है। आपको क्या करना है, OTP के लिए फास्ट मतलब SMS करना है, OTP मिल जाएगा, फिर आपको उसको अनलॉक करना है। तो ऐसे करके किया जाता है। तो इधर जितना भी सर्विस है तो आप एक SMS टाइप करके ही आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो रिलेटेड तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।